हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, इस मंथ के लास्ट में आपको मार्केट के अंदर दो नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग कंपनी अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M52 5G को लेकर आ रही है। वहीं दोस्तों, इसी स्मार्टफोन की टक्कर में वीवो कंपनी अपनी वीवो V21 सीरीज के अंदर वीवो V21 5G स्मार्टफोन लेकर आ रही है। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको मार्केट में आने वाले 28 और 29 अप्रैल को देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स भी मिलेंगे और इन दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइस भी कंपनी कम रखने वाली है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों ही स्मार्टफोन की लगभग अब सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है और दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन के टीजर को भी कंपनी ने शेयर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, किस स्मार्टफोन के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी सैमसंग और वीवो कंपनी के फैन है तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M52 स्मार्टफोन की तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी यू शेप की नोच डिस्प्ले देने वाली है और इसके अंदर आपको स्क्वायर टाइप का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको डुअल सेल्फी कैमरा के लिए कट आउट देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.6 इंच की HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है जो कि 1600x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो V21 5G स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.44 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है जो कि 1800x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 होगा और इसकी कॉर्निंग के ऊपर भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 19Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों, साइज के मामले में तो सैमसंग गैलेक्सी M42 स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको शायद अब की बार फुल HD पैनल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको एमोलेड पैनल जरूर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी के बैक में भी आपको 48 MP, 8 MP, 5 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देने वाली है। वहीं अगर दोस्तों वीवो V21 5G स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी के बैक में भी आपको 64 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 44 MP और 8 MP का ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में वीवो V21 5G स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी वीवो V20 सीरीज की तरह ही बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया कैमरा सेंसर देने वाली है जिसके अंदर आपको दोस्तों अब की बार और भी कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M42 स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 4GB और 6GB रैम के साथ उतारने वाली है जिसके साथ आपको 64GB और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है और इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो V21 5G स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों, यह स्मार्टफोन हमेशा की तरह ही आपको शायद 8GB रैम के साथ देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको शायद माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन अंदर आपको शायद दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के सबसे खास फीचर्स इनके प्रोसेसर के बारे में तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट देने वाली है और ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एड्रीनो 619 का GPU देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो V21 5G स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको माइलेज G57 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन अंदर आपको अलग अलग चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन लगभग एक जैसे ही रहने वाले हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का चिपसेट देने वाली है और इंडियन मार्केट में ज्यादातर स्नैपड्रैगन के चिपसेट वाले ही स्मार्टफोन चलते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000 mAh की पावरफुल बैटरी देने वाली है। वहीं अगर दोस्तों
बात की जाए वीवो V21 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी अब की बार 33 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 4500 mAh या 4200 mAh की पावरफुल बैटरी दे सकती है। बाकी दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जो भी हो बैटरी मामले में आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, इसमें कोई राय नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मेरे नजर में आपके लिए वीवो V21 5G स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।